right? So here MongoDB, right? We are covering MongoDB and ReactJS. So we are understand how to generate big data. And what is the next part, right? How much data Google process 20 petabyte a day, right? 2008 का सिनारियो है, 2018 में वो जेटाबाइट, राइट, उसके अंदर डेटा जनरेट हो रहा है. वे बैक मशीन हैज 3 पेटाबाइट प्लस 100 टीबी पर मंथ, राइट. फेसबुक हैज 2.5 पेटाबाइट ऑफ यूजर डेटा प्लस 15 टीबी पर डे, राइट. 2009 के डेटा है. ईबे, राइट, 6.5 पेटाबाइट ऑफ यूजर डेटा प्लस, ईबे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. तो ये डेली जनरेट होता है इतने बहुत सारे डेटा. यूट्यूब आज पर डे वन मिनट के अंदर, राइट, 65 वीडियोस अपलोड होते हैं पर सेकंड, सॉरी, राइट. सो ये सब डेटा जनरेट होता है. अभी देखते हैं व्हाट इज MongoDB, राइट. व्हाट इज MongoDB? MongoDB इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस. डॉक्यूमेंट्स एनकैप्सुलेट एंड एनकोडेड डेटा और इंफॉर्मेशन इन सम स्टैंडर्ड फॉर्मेट और एनकोडिंग, राइट. डॉक्यूमेंट यानी हम लोग टेक्स फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स में डेटा होते हैं, राइट. और हम लोग कभी यूज़ करते हैं CSV फॉर्मेट, JSON फॉर्मेट, राइट. JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, CSV मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यू, राइट. वो टाइप की हम लोग, और TXT में भी डेटा स्टोर होते हैं. तो ये इसके लिए हमें MongoDB में पर्टिकुलर फॉर्मेट है. वो कौन सा फॉर्मेट है हम लोग देखेंगे, राइट. नो SQL स्ट्रक्चर है MongoDB, नॉट ओनली SQL, पूरा SQL नहीं, उसके अंदर ओनली SQL नहीं यूज़ हो रहा है. उसके बाद SQL के साथ उसका डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी डेटा यूज होते हैं. बेसन बाइनरी, राइट, ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट यहाँ पे. स्कीमा ले, स्कीमा यानी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं SQL के अंदर, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वो स्कीमा होता है. वो स्कीमा लेस, यहाँ पे कोई स्कीमा नहीं है. नो मोर कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस कॉलम विथ टाइप्स, देर आर नो कॉन्फ़िगरेशन. आपके यहाँ पे यहाँ कॉलम में कौन सी स्ट्रिंग, कौन सा टाइप यूज़ करना है वो आप जनरेट क्रिएट करोगे बाद में पता चले. पहले से प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है MongoDB में. नो ट्रांजेक्शन, नो जॉइंट क्वेरी. MongoDB इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड लीडिंग नो SQL डेटाबेस. नो SQL कम्युनिटी में MongoDB सबसे ज़्यादा यूज होता है. MongoDB इज रिटन इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ में MongoDB यूज़ किया हुआ है, राइट. MongoDB इंस्टॉल कैसे करते हैं? देर आर 3 वे टू इंस्टॉल MongoDB: कम्युनिटी सर्वर, विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन, MongoDB एटलास. MongoDB एटलास कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ. MongoDB एटलास इस तरह से है. आप जब भी इंस्टॉल करोगे तो MongoDB एटलास यहाँ से आप कनेक्ट करोगे तो MongoDB एटलास ये इंस्टॉल किया हुआ है, राइट. उसके अंदर आपको यहाँ पे डेटाबेस दिखाई देगा वो सब. ये एक एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, ओके. यहाँ से आप डेटाबेस को कनेक्ट भी कर सकते हो. यहाँ पे जाओ, डेटाबेस का नाम सिलेक्ट करो, उसके नीचे जो भी डेटाबेस है उसके अंदर, डेटाबेस के अंदर ये कलेक्शन बोला जाता है. हम जैसे डेटा टेबल RDBMS में क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं. टेबल क्रिएट करने बाद टेबल के अंदर रो कॉलम फॉर्म्स होते हैं, राइट. तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपके लिए बनाया है, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन भी करूँगा. और सेकंड पार्ट कम्युनिटी एडिशन है, और थर्ड जो है वो स्टूडियो 3T फ्री फॉर MongoDB. ये MongoDB के लिए पूरा फ्री हुआ है, फ्री, राइट, ओके. तो ये फ्री कम्युनिटी के लिए भी है, ये स्टूडियो 3T फ्री फॉर MongoDB. आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड. लेकिन ये सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी वेबसाइट पे, यहाँ पे MongoDB सर्च करो गूगल में, MongoDB एटलास पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो, डाउनलोड करो एटलास को, MongoDB डाउनलोड, ओके, डाउनलोड फॉर विंडोज 10. तो आप डाउनलोड करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा. बाद में क्या करना है आपको, एक CMD पे जाना है. CMD पे क्लिक करो, वहाँ पे पहले क्या करना है, MongoDB स्टार्ट करना है. MongoDB स्टार्ट करोगे तो आपको ये एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, MongoDB आपका स्टार्ट हो जाएगा. MongoDB जैसे स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मोंगो लिखना है, मोंगो
लिखना है। मोंगो लिखने के बाद यहाँ पे मोंगो डीबी एंटरप्राइज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है डीबी शो डीबीएस, जितने भी डेटाबेस है आपको शो करना है तो वो आपका शो, पहला एडमिन है, कॉन्फिग है, मैंने एक डीबी वर्ल्ड करके बनाया है, लोकल, ये तीन डेटाबेस बाय डिफॉल्ट आएंगे, माय डीबी राइट, माय लिब, वो सब आपके डेटाबेस है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ अलग से डेटाबेस क्रिएट करना है तो भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिक, मैंने आप ये लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा आपको चैट बॉक्स में, साथ साथ में जो भी है पीपीटी भी मैं आपको पूरी मेरे वेबसाइट पे रख दूँगा फ्री राइट, आप यूज़ करना। तो यहाँ पे मोंगोडीबी को चलाने के लिए ये कमांड्स है, बेसिक कमांड्स इंस्टॉल होने के बाद रनिंग मोंगोडीबी, मैंने जो बताया वैसे मोंगोडीबी को रन करना है। मोंगोडीबी के अंदर हेल्प्स है आपको सब डेटाबेस शो करने के लिए, शो डीबी है, क्रिएट डेटाबेस, जैसे मुझे अभी कोई क्रिएट डेटाबेस करना है और यहाँ पे कितने डेटाबेस है वो देखो, एडमिन है, एक नया डेटाबेस मुझे क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टर्मिनल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखो यूज़, पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है यूज़, उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट आगे लिखो डीबी, डीबी अंडरस्कोर स्टूडेंट, ओके, और एंटर करो, स्विच, आपका डेटा स्विच हो गया, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, यहाँ पे ये यहाँ पे रिफ्रेश करो या यहाँ पे रिफ्रेश करो तो आपको पता चलेगा, रिफ्रेश ऑल यहाँ पे आना चाहिए, हम देखते हैं हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, कैसे देखते हैं, शो शो डीबी, अच्छा ये अभी इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, डेटाबेस अभी हमने एंटर डेटा डालना पड़ेगा राइट, यूज़ डीबी, यूज़ डीबी करने के बाद क्या करना है आपको, पूरा स्टेप्स यहाँ पे है, यूज़ डीबी करने के बाद नो योर करंट डेटाबेस, डीबी पे क्लिक करो राइट, यहाँ पे स्विच हो गया, स्विच टू डीबी राइट, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा डीबी, डीबी आपका डेटाबेस का नाम दिखा आपको डीबी अंडरस्कोर, अभी कौन से डेटाबेस में हो तो वो डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट आपको वो डेटाबेस के अंदर आपको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी कर सकते हो, उसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करना है राइट, व्हाट इज कलेक्शन, वो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम थोड़ी थियरी वापस देखेंगे राइट। तो हमने देख लिया कि कम्युनिटी सर्वर विजुअल स्टूडियो में भी आप एक्सटेंशन डाल के भी मोंगोडीबी को यूज़ कर सकते हो, मोंगोडीबी एटलास मैंने जो बताया ये मोंगोडीबी एटलास है राइट, उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो राइट। देखो पूरा ये सब सिनारियो यहाँ पे भी दिखेगा आपको राइट, तो पहले थोड़ी थियरी देख लेते हैं। नेक्स्ट मोंगोडीबी ग्राफ डॉक्यूमेंट डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस में कौन कौन सा आता है, मोंगोडीबी है, कॉचबेस है, मार्क लॉजिक है, ग्राफ डेटाबेस में कौन सा है, नियो 4j, RDF, इन्फाइनाइट ग्राफ, टाइगर, बहुत सारे ग्राफ डेटाबेस है मार्केट में अभी, वाइड कॉलम स्टोर, रेडिफ, AWS सर्विस आप यूज़ करते हो तो रेडिफ होता है, AWS सर्विस यूज़ करते हो तो मोंगोडीबी होता है, एरो, एरोस्पाइक, रिएक्ट, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा राइट। की वैल्यू डेटाबेस कौन सा है, एक्यूमुलो, हाइपर टेबल, कैसेंड्रा है, HBase, Amazon सिंपल डीबी, कैसेंड्रा जावा के साथ बहुत यूज़ होता है, मोंगोडीबी हाईली यूजफुल है, आप AWS सर्विस यूज़ करते हो तो DynamoDB और Redis बहुत ही यूज़फुल है, और भी मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस है। कौन कौन सी इंडस्ट्री MongoDB को अभी यूज़ करते हो, फायरबेस हाईली यूज, गूगल का फायरबेस है वो हाईली यूज़ कर रहा है MongoDB को, डूडल, डूडल भी एक प्रोडक्ट है गूगल की, सेविंग कार, हाई फाइव गेम है, गेम में भी बैकएंड के अंदर डेटाबेस, GitHub खुद GitHub भी डेटाबेस को MongoDB को यूज़ करता है राइट, सोर्स फोर्ज करके एक वेबसाइट है बहुत फेमस वेबसाइट है, वो भी SAP टेक्नोलॉजी है, वो भी डिज्नी की जो चैनल है वो बैकएंड में पूरा डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, तो ये सब डेटाबेस अभी ओरेकल के अंदर भी वो डेटाबेस वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइट, ओपन सोर्स है तो यूज़ कर रहे हैं। वाई MongoDB, MongoDB क्यों, एनी वेयर फ्रॉम 2 to 10 times फास्टर देन MySQL, MySQL से वो 10 times फास्टर है, इसीलिए 2 to 10 times राइट, आप समझो वो कितना फास्ट है, तो इजीली डेटा फैच करने के लिए MongoDB यूज़ कर रहा है,
इसको समझना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट आपने एक दो लेक्चर पढ़ लिया यूट्यूब पे, एक वीक पढ़ लिया, नहीं, उसके अंदर बहुत काम करना पड़ेगा आपको। एटलीस्ट 3 to 4 month उसके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि MongoDB में कितना पावर है, राइट? ओके, नेक्स्ट, MongoDB प्रोवाइड्स टू टाइप ऑफ डेटा मॉडल, एम्बेडेड डेटा मॉडल एंड नॉर्मलाइज डेटा मॉडल। आपको RDBMS में पता है नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन, वही है ये। नॉर्मलाइजेशन यानी क्या होता है, आपका डेटा नॉर्मलाइज राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस मॉडल यू कैन हैव एम्बेडेड ऑल द रिलेटेड डेटा इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर होता है डेटा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डीनॉर्मलाइज डेटा मॉडल, उसको डी डॉटा मॉडल। यहाँ पे एक्चुअली MongoDB में होता कैसे है, ये कर्ली ब्रैकेट और एंड कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे स्टार्टिंग अंडरस्कोर हाइफन है, राइट? उसके अंदर आपका आईडी रहेगा, एम्प्लॉय आईडी, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये की एंड वैल्यू पेयर में काम कर रहा है, की है ये और ये इसकी वैल्यू सामने है, उसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, डिक्शनरी फॉर्मेट भी बोला जाता है उसको। पाइथन में जाओगे तो उसको डिक्शनरी फॉर्मेट बोलेंगे, राइट? जेसन उसका एक्चुअल है जेसन फॉर्मेट, राइट? इन फ्यूचर में जाओगे तो जेसन लिंक डेटा आता है, जेसन एलडी भी बोला जाता है उसको। तो ये एक्चुअली ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट एंड के बीच में आपके पास की है और वैल्यू है, की है वैल्यू है, तो पर्सनल है पर्सन भी एक की है वैल्यू, लेकिन ये डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी है। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ये पर्सनल पर्सनल डिटेल के अंदर पूरा एक दूसरा डिक्शनरी क्रिएट किया है। कॉन्टैक्ट के अंदर भी एक इनसाइड डिक्शनरी क्रिएट है, उसको डीनॉर्मलाइज कैसे, जैसे डेटाबेस है तो टेबल होता है डीनॉर्मलाइज, तो हम लोग एक ही टेबल के अंदर सभी कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, हम ग्रुप नहीं करते, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसी इसको क्या बोलते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन, एम्बेडेड डेटा मॉडल बोला जाता है, राइट? सेकंड फॉर्म है, इन दिस मॉडल यू कैन रिफर द सब डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूजिंग रिफर रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन रीराइट द अबो डॉक्यूमेंट इन द नॉर्मलाइज मोड, राइट? सो हमारा जो पहले था ऐसे, तो उसको क्या करेंगे कि एम्प्लॉय का टेबल अलग करेंगे, पर्सनल डिटेल का डॉक्यूमेंट अलग करेंगे, कॉन्टैक्ट अलग करेंगे, हम लोग टेबल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, एड्रेस को डिफरेंस करेंगे, अलग करेंगे। तो ये हमारे पास पहले एक डॉक्यूमेंट था, सिंगल डॉक्यूमेंट, वो सिंगल डॉक्यूमेंट में से हमने क्या निकाला, 1 2 3 4, 4 डॉक्यूमेंट वहाँ से नॉर्मलाइज किए, तो ऐसे उसको नॉर्मलाइज डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट, MongoDB के अंदर डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर, बुलियन, डबल, मीन, मैक्स की, एरेज, टाइम स्टैम्प, ऑब्जेक्ट और नल, नल भी है, और डेट डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी इज वेरी हाईली यूज इन MongoDB, बाइनरी डेटा, कोड, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये सब बेसिक डेटा टाइप है किसके लिए, MongoDB के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, की वैल्यू है एम्प्लॉय आईडी, तो ये जो है ना डेटा है, की वैल्यू वैल्यू जो है उसके अंदर नंबर भी है और कैरेक्टर भी है, तो इसके लिए उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, सभी स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे सभी वैल्यू स्ट्रिंग है, राइट? तो उसको कैसे स्टोर करना है वो अपनी डेटा टाइप से भी पता चलेगा, पहले आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे बाद में उसके डेटा टाइप आपको पता चलेगी, राइट? यहाँ पे एरे है, तो एरे के दिस टाइप इज यूज टू स्टोर एरे और लिस्ट और मल्टीपल वैल्यू इन वन की। एंड ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स आईडी, डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे उसका आईडी रहेगा यहाँ पे। बाइनरी डेटा, दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा। ओके, तो ये सब आपकी डेटा टाइप है किसके लिए, MongoDB के लिए। ओके, नेक्स्ट, एसक्यूएल में हम लोग डेटाबेस बोलते हैं, यहाँ पे भी उसको डेटाबेस बोलेंगे। जैसे एसक्यूएल में आप टेबल बोलते हो, यहाँ पे आपको कलेक्शन बोलना पड़ेगा, राइट? जो टेबल का नाम है उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्शन। रोज है तो रोज को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, राइट? वन डॉक्यूमेंट्स यानी पहली रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड डॉक्यूमेंट, उसको बेसन फॉर्मेट, बेसन डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। कॉलम को आप हम बोलेंगे यहाँ पे फील्ड बोलेंगे, फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड, थर्ड फील्ड। ये MongoDB बहुत फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। MongoDB अभी नो एसक्यूएल का पार्ट है और इन फ्यूचर में इलास्टिक सर्च करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इंडेक्सिंग, इंडेक्स तो इंडेक्स है, फर्स्ट
फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स टेबल जॉइंट्स एम्बेडेड डॉक्यूमेंट एंड लिंकिंग कॉन्सेप्ट यूज कर होता है। प्राइमरी तो प्राइमरी की स्पेसिफाई एनी यूनिक कॉलम और कॉलम कंबाइन एज अ प्राइमरी की। इन मोंगोडीबी द प्राइमरी की इज ऑटोमेटिकली सेट टू अंडरस्कोर आईडी फील। अंडरस्कोर आईडी फील में ऑटोमेटिक सेट किया जाता है। एग्रीगेशन ग्रुप बाय भी यहाँ पे होता है, तो ग्रुप बाय पाइपलाइन भी यहाँ पे है उसके लिए। मेन तो आपको टेबल को कलेक्शन बोलना है, रो को डॉक्यूमेंट बोलना है, कॉलम को फील्ड बोलना है, राइट। इतना माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट डेटाबेस सर्वर ओरेकल होता है, MySQL डी है, ये MongoDB को स्टार्ट करने के MongoDB, राइट। डेमोन प्रोसेस, डी मीन्स डेमोन प्रोसेस, राइट। बैकग्राउंड प्रोसेस स्टार्ट करनी है, उसके बाद क्लाइंट हमें यूज़ करना है, तो मैंने अभी MongoDB लिखा था। यहाँ पे पहले क्या लिखा, MongoDB यूज़ किया मैंने, MongoDB यानी डेमोन प्रोसेस स्टार्ट की, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, मोंगो सिर्फ लिखा, तो मोंगो से क्या हुआ, क्लाइंट, ये क्लाइंट स्टार्ट हो गया, ओके। तो ये हमारा MongoDB का इनिशियल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। MongoDB वर्सेस रिलेशनल, कलेक्शन वर्सेस टेबल, डॉक्यूमेंट वर्सेस रो, फील्ड वर्सेस कॉलम, स्कीमा लेस एंड स्कीमा ओरिएंटेड। RDBMS में स्कीमा ओरिएंटेड है, और MongoDB यानी NoSQL जो भी कॉन्सेप्ट है वो स्कीमा लेस्ड है, ओके। नेक्स्ट द बेसिक, द MongoDB इंस्टेंस में हैव जीरो और मोर डेटाबेस, और डेटाबेस में हैव जीरो और मोर कलेक्शन कैन बी थॉट ऑफ एंड ऑफ द रिलेशन टेबल इन DBMS, बट विद द मैनी डिफरेंस कलेक्शन में हैव जीरो और मोर डॉक्यूमेंट। डॉक इज द सेम कलेक्शन, डोंट इवन नीड टू हैव द सेम फील्ड। आप जब भी कॉलम क्रिएट करते हो ना, तो उसके अंदर सेम फील्ड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कॉलम क्रिएट करते हो यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे एक बार एम्प्लॉय आईडी लिख दिया, राइट, उसके सामने आईडी 1 लिखा, ओके, तो आप वापिस एम्प्लॉय आईडी नहीं लिख सकते हो, राइट। आप उसको नए कॉलम का नाम एम्प्लॉय डी यस, यहाँ पे नेम ये है रौनक, ओके। तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, जेसन की वैल्यू, ये की है और ये वैल्यू है, इसको भी कोटेशन में डालना पड़ेगा, राइट, ओके। यहाँ पे कोटेशन में डालो, ओके, इसको भी कोटेशन में डालो, ये की हो गई आपकी, वैल्यू हो गई, ओके। तो ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, ओके। डॉक्यूमेंट में कभी भी आप यहाँ पे आप कॉपी करो, उसके नीचे दूसरा डॉक्यूमेंट, पहली रो ये दूसरी रो, लेकिन ये रो को हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर स्क्वायर और नीचे कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डॉक्यूमेंट। स्क्वायर ब्रैकेट अभी नहीं यूज़ करोगे, ये बन जाएगा पाइथन के अंदर, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करो, ऐसे करो, तो ये आपका ये पूरा एक कलेक्शन बना। ये कलेक्शन के अंदर ये कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, एम्प्लॉय का कलेक्शन। ये फर्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट है, सेकंड डॉक्यूमेंट यानी पहली रो सेकंड रो, यहाँ पे नाम भी अलग है, राइट, इसके अंदर लिख रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट बना, तो इसको हम लोग की वैल्यू पेयर, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेसन भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट, द डॉक्स आर द रिकॉर्ड्स इन द RDBMS, अभी हाईली इंडस्ट्री में ये हाईली यूज होता है, राइट। डॉक्यूमेंट आर एड्रेस इन द डेटाबेस वाया यूनिक की, ओके। नेक्स्ट पार्ट, डॉक्यूमेंट में हैव वन और मोर फील्ड, एक से ज़्यादा फील होता है। MongoDB इंडेक्स इज लाइक द लाइक देर RDBMS काउंटर पार्ट। हियर नेक्स्ट, टेबल क्रिएशन, आप टेबल कैसे क्रिएट करते हो, राइट। जैसे आप लोग का टीचर की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टीचर इंफॉर्मेशन है, टीचर ID वेरकेर 10, टीचर अंडरस्कोर नेम वेरकेर 10, इस तरह से आप RDBMS में क्रिएट करते हो प्राइमरी की। तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट टीचर ID, टीचर नेम, वैल्यू डालते हो, वैल्यूज पिक आर रवि IT 30,000 A, तो ये स्टेटस आप ऐसे वैल्यू उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हो ओरेकल के अंदर, राइट। हम लोग SQL यूज़ कर रहे थे, राइट, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में शायद आया हुए, ओके। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, MongoDB में क्रिएट इन्फो, राइट। हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक इसको ही क्रिएट करते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं, ओके। तो सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे ट्राई करते हैं,
हमने एक डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर ट्राई करते हैं। ओके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का प्रॉब्लम है, ये देखो एंटर। देखो एक डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हुआ, तो हम लोग चेक करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। बीबी डॉट टीचर टीचर अंडरस्कोर इन्फो इन्फो डॉट फाइंड फाइंड कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके डीबी टीचर राइट, चेक करेंगे डीबी डॉट कलेक्शंस डॉट सोर्स। हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्टूडेंट राइट, तो डीबी डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट कलेक्शन डॉट सोर्स। तो टीचर डीबी कलेक्शन नेम, क्रिएट डीबी कलेक्शन नेम। फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट कलेक्शन नेम राइट, आर डेटाबेस क्रिएट कलेक्शन इन द ब्रैकेट टीचर अंडरस्कोर इन्फो। Uncut time with collections. Collection has invalid type. Okay. यहाँ से क्यों problem? Okay. डेटाबेस डीबी अंडरस्कोर स्टूडेंट। ओके हियर एड कलेक्शन टीचर अंडरस्कोर इन्फो। ओके
सी यहाँ पे वन रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है राइट यहाँ पे डीबी। ओके यहाँ पे चेक करते हैं डीबी शो डीबी स्टूडेंट। ओके डीबी स्टूडेंट डॉट टीचर अंडरस्कोर आईडी। शो कलेक्शन ओके टीचर इज ऑलरेडी क्रिएटेड हियर एंड शो कलेक्शन ड्रॉप कलेक्शन। डीबी डॉट कलेक्शन नेम इज टीचर अंडरस्कोर इन्फो ओके एंड इन्फो डॉट इन्फो डॉट इंसर्ट वी नीड टू राइट हीयर, हमें यहाँ पे डॉट इंसर्ट लिखना है इंसर्ट। ओके प्रॉब्लम यहाँ पे ओके वन रो क्रिएटेड यहाँ पे तो हम लोग शो करना है तो db डॉट टीचर अंडरस्कोर इन्फो डॉट फाइंड राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एंटर। तो हमें पहला वैल्यू मिला तो ये पहला रिकॉर्ड हमने ऐड किया। तो ये फर्स्ट हमने क्या किया, पहले डेटाबेस शो किया कितने डेटाबेस है, डेटाबेस हम पहले क्या किया था, उसके बाद डेटाबेस यूज़ किया था यहाँ पे यूज़ स्टूडेंट। तो उसके बाद यूज़ स्टूडेंट किया था तो स्विच किया हमने स्टूडेंट ओके। उसके अंदर हमने कलेक्शन क्रिएट किया राइट, कैसे किया सेकंड पार्ट, ये कलेक्शन हमने स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर कलेक्शन क्रिएट कलेक्शन किया ओके।
उसके कलेक्शन क्रिएट करने के लिए ये कमांड यूज़ होता है डीबी। ओके डीबी कलेक्शन, हम और एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं कोर्स, कोर्स ओके एंटर अनकॉट कलेक्शन शो कलेक्शन ओके कलेक्शन डीबी कलेक्शन दिस ओके सेमी कॉलन यूज करना है सेमी कॉलन डीबी कलेक्शन डॉट डीबी क्रिएट कलेक्शन करेक्ट है ना ओके 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 डबल कोटेशन यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर पास करना पड़ेगा ओके एंटर वन ओके क्रिएट कलेक्शन। तो पहला जो स्टेप है हमारा राइट, तो कलेक्शन डेटाबेस शो करना है यूज डेटाबेस, उसके बाद क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन को कैसे लिखना है डबल कोटेशन में लिखना है यहाँ पे राइट मैं डेलिब्रेटली आपको ये बता रहा हूँ राइट तो यहाँ पे db डॉट क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन के बाद कौन सा हमने यूज़ किया ये वाला फीचर राइट तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट का कलेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे ओके डबल कोटेशन कोर्स नेम कोलन BCA ओके कर्ली ब्रैकेट ओवर एंटर ओके वन रो क्रिएटेड। अभी रो को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा फाइंड db.sorry ये हमने इंसर्ट किस में हो गया ये इसके अंदर हुआ देखो ये सेकंड BCA वाला इसके अंदर हो गया राइट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे कोर्स के अंदर करना है तो इसको रिमूव ही कर सकते हैं कोर्स ओके एंटर तो कोर्स में हुआ डीबी हमारा कोर्स में तो हम लोग फाइंड करेंगे डीबी डॉट कोर्स डॉट फाइंड राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एंटर ओके तो ये कोर्स एंटर हो गया। अभी ऊपर जो है प्रॉब्लम यहाँ पे है फाइंड किया तो इसके अंदर उसको रिमूव करना है रिमूव कैसे करेंगे तो रिमूव करने के लिए हमें इसका आईडी से भी रिमूव करेंगे तो पहले वापस थियरी पे जाते हैं ओके तो हमने यहाँ पे देखा कि कोर्स कैसे क्रिएट करना है तो इंसर्ट डीबी डॉट टीचर डॉट इंसर्ट तो वन बाई वन इंसर्ट कमांड हम परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू इंसर्ट होगी। उसके बाद मोंगो डीबी कलेक्शन तो हमें कलेक्शन ये हमें कलेक्शन दिख रहा है ओके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस ये तो हमने देख लिया ओके नेक्स्ट यहाँ पे एम्बेडेड डेटाबेस में क्या है फेवरेट नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं राइट नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम और एक और कलेक्शन यहाँ पे डालते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और कलेक्शन टीचर हमने डाला ना उसकी जगह पे सेम कलेक्शन में P2 रवि की जगह पे सनी ओके आईटी की जगह पे एचआर यहाँ पे 200 स्टेटस बी ओके तो हम लोग ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं यहाँ पे डॉट टीचर _info.insert इन द ब्रैकेट पेस्ट करो यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट राउंड ब्रैकेट ओवर करो और एंटर ओके सेकंड रो क्रिएटेड। हमें देखना है फाइन दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गई मुझे ये निकाल देना है राइट ये वाला वैल्यू निकालना है तो क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट जाओ
ओके, क्रिएट कलेक्शन, सेव कलेक्शन, फाइंड कलेक्शन, अपडेट, और रिमूव के लिए ये वाला है db डॉट कलेक्शन डॉट रिमूव। पर्टिकुलर वैल्यू को भी आप रिमूव कर सकते हो, जैसे अभी मुझे कोर्स वाले वैल्यू को रिमूव करना है। ओके, रिमूव db डॉट कलेक्शन कौन सा है, टीचर अंडरस्कोर इन्फो डॉट रिमूव, उसके अंदर डबल कोटेशन कोर्स नेम कोलन डबल कोटेशन बी सी ए कर्ली ब्रैकेट के एंटर रिमूव वन रो। अभी वापस देखते हैं। ओके, टोटली रिमूव हो गई सेकंड कोलम जिसमें हमारा प्रॉब्लम था। ओके, नाउ हमें क्या करना है, ये वैल्यू जो हमारे पास दो वैल्यू है उसमें से मुझे पिक फर्स्ट और सेकंड ही वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे, फाइंड वन करो। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड वन करो और उसके अंदर टीचर आईडी लिखो, टीचर आईडी डबल कोटेशन टीचर अंडरस्कोर आईडी कोलन डबल कोटेशन पिक 002 एंटर करो तो फाइंड, तो सेकंड वैल्यू हमें रिट्राइव हुई। मुझे सेकंड वैल्यू में सिर्फ डिपार्टमेंट और सैलरी ही चाहिए, किसकी, पिक टू की। हाँ, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना होता। हाँ, तो मैंने हम यूज कर सकते हैं, मैंने भी मैं बता रहा हूँ। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैंने मैनी रिकॉर्ड के लिए हम लोग मैनी कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट मैनी, देखो यहाँ पे इंसर्ट मैनी लिखा है ना, इस तरह से एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपी, और यहाँ पे कॉपी, व्हाट इज़ योर गुड नेम, हेलो मित्तल, ओके मित्तल, डिपार्टमेंट आईटी, एफटी राइट स्टेटस एक कोमा, हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे, राइट, यहाँ पे 4 HR, okay, IU, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी। अभी क्या करना है हमें, हमने जो ये लिया है ना इंसर्ट मैनी लिखना है, यहाँ पे इंसर्ट मैनी, तो सेम db डॉट टीचर इन्फो टीचर डॉट इंसर्ट मैनी राउंड ब्रैकेट, ओके राउंड ब्रैकेट ओवर, कॉपी करो, यहाँ पे परफॉर्म करो, ओके सेमी कॉलन एंटर। Insert, okay. db dot teacher underscore info dot insert, proper है ना, insert spelling proper है, many, okay, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना था यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारा कलेक्शन है। एंटर, टू रो आर क्रिएटेड। ओके, अभी हम लोग फाइंड करेंगे कौन सा, ये वाला, तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके,
मित्तल, आर यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग, तमने समझ पड़ी? यस सर। ओके, नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट सेव, सेम कीवर्ड वी आर यूजिंग सेव। अपडेट, वी कैन अपडेट अ प्रॉपरली, वी कैन अपडेट अ रिकॉर्ड, वी कैन फाइंड द रिकॉर्ड, फाइंड वन। ओके, अभी मैं जो बता रहा था ना वो क्या था, एक से ज़्यादा वैल्यू हमें फाइंड वन करना है, फाइंड वन। तो डीबी टू कलेक्शन का नाम है टीचर। ओके, टीचर, देखो रिएक्ट जेस तो आपको पता चल जाएगा राइट, लेकिन ये डेटाबेस आपको प्रॉपर आना चाहिए, उसके बाद रिएक्ट जेस पे जाएंगे। रिएक्ट जेस में भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, फाइंड वन, फाइंड वन इन द कर्ली ब्रैकेट, हमें क्या चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए, कि पिक फोर है तो ये वाला डेटा। ओके, कॉपी करेंगे यहाँ पे, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डिपार्टमेंट चाहिए, नेम चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए राइट। तो कॉपी और कोलन वन कोमा डिपार्टमेंट, कोलन, ओके, नाउ राउंड ब्रैकेट, ओके कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। अभी क्या है होगा कि फोर नंबर का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर से हमें टीचर नेम ही चाहिए और डिपार्टमेंट चाहिए। देखो ये कैसे प्रिंट होगा, पूरा डेटा नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे एंटर। तो देखो ये टीचर नेम आया और डिपार्टमेंट, हम जैसे सिलेक्ट क्वेरी करते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो स्टार यहाँ से स्टार होता है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ही चाहिए। समझ में आया? हेलो स्टूडेंट, ओके, कोई कोई भी एक रिप्लाई करना। तो ये डिपार्टमेंट आपको टीचर और डिपार्टमेंट मिला। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी, रिमूव क्वेरी राइट, अपडेट क्वेरी पे जाते हैं। अपडेट कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ये हमारा कलेक्शन हुआ राइट। अभी देखो ये जो मिल रहा है ना उसके साथ में आप प्रीटी लिखो, उसके साथ आप क्या लिखो, अभी फाइंड जो कर रहा है ना उसके साथ प्रीटी, प्रीटी लिखोगे तो डेटा आपका इस तरह से आ रहा है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आएगा। ओके, तो ये प्रीटी कीवर्ड्स का यूज़ है। नेक्स्ट उसके बाद अपडेट डॉक्यूमेंट करना है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो डॉक्यूमेंट के अंदर एम्प्लॉय अपडेट राइट, यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा, सेट, जैसे पर्टिकुलर एम्प्लॉय वन का नेम चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, एम्प्लॉय थ्री का राइट, एम्प्लॉय फोर का मीना की जगह पे राइट कुछ अलग नाम देते हैं, तो रिकॉर्ड फोर में सेट करना है, यहाँ पे मीना की जगह पे कौन सा कुछ और नाम सेट करना है, तो उसके लिए क्वेरी क्या बनेगी राइट, तो वो क्वेरी हम लोग पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं राइट। ओके, पहले यहाँ पे नीचे लिखते हैं, वहाँ पे बाद में परफॉर्म करेंगे, डीबी डॉट टीचर डॉट अपडेट। अपडेट में क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा, फोर्थ नंबर। ओके, यहाँ पे पास करो कोमा, यहाँ पे आपको सेट पास करना, डॉलर सेट, डॉलर सेट, और डॉलर सेट के अंदर कोलन करो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टीचर का नाम जो है, टीचर का नेम हमें सेट करना है, टीचर की जगह पे यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, वीना। ओके राइट, डन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कम है, तो देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी लिया, सेट और दो कर्ली ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ज़्यादा, और राउंड ब्रैकेट भी यूज़ करना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट देखो यहाँ पे स्टार्ट किया तो राउंड ब्रैकेट लास्ट में ओवर करना रहेगा। तो ये हमारा अपडेट क्वेरी है, यहाँ पे क्लियर सी एल एस, ओके एंटर, वन अपडेटेड मैच वन मॉडिफाई वन। ओके, तो क्वेरी हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारा ये रिकॉर्ड वीना फोर्थ पे आया कि नहीं आया, वो चेक करते हैं, वीना
वीणा आ गया, ओके, तो हमारा रिकॉर्ड भी अपडेट हुआ। तो ये फ्रॉड ऑपरेशन है। अभी डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करोगे, यहाँ पे रिमूव लिखो, रिमूव, और यहाँ पे टीचर अंडरस्कोर नेम कोलन वीना, ओके, एंटर, वन रो रिमूव, तो हमारी वन रो रिमूव भी हो गई। यानी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आपने सीखा। उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो सेव कमांड का भी। ये सेव से भी क्या होता है, इंसर्ट किया ना आपने, वैसे यहाँ पे लास्ट जो रिकॉर्ड है शनि, शनि की जगह पे हम लोग करेंगे टॉमी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फोर्थ और यहाँ पे रहेगा सेव। सेव इंसर्ट की जगह पे सेव करते हैं तो सेव से भी क्या होता है, सेव डेटा होना चाहिए, ओके, रिकॉर्ड सेव हुआ, ओके, तो सेव से भी डेटा सेव हुए और यहाँ पे टॉमी आपको मिल रहा है यहाँ पे, ओके। अभी हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे तो डेटा हो रहा है तो ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है, वो चेक करना है मुझे। ये रिफ्रेश ऑल, ओके, कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन बना, उसके अंदर यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करना चाहिए। देर आर नो एग्जीक्यूटेबल कमांड एट द करंट कर्सर, ओके, रिफ्रेश ऑल, हम लोग क्या करें, इसको डिस्कार्ड करते हैं और वापस नया सेशन यूज़ करते हैं। और देखो यहाँ पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिफ्रेश स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट के अंदर टीचर, टीचर के अंदर ये ग्राफिकल व्यू में डेटा दिख रहा है, देखो स्टूडेंट्स, ओके, तो हमने जितने भी डेटा ऐड किए यहाँ से ऐड कर रहे हैं, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से पूरे मल्टीपल फाइल भी ऐड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट एग्रीगेशन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, एग्रीगेट डायरेक्ट, यहाँ से एग्रीगेशन भी यूज़ कर सकते हो, स्कीमा, राइट, एक्सप्लेन प्लेन, इंडेक्स, वैलिडेशन, ये थोड़ा टीडियस है, इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए भी थोड़ा चाहिए कि रिलेशनशिप बनाने के लिए, राइट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, जैसे जेसन फाइल होती है वो भी डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करके भी डेटा आप यूज़ कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट, डेटा क्रिएट करूँ, ये डेटा है इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट करूँ, ओके, यहाँ पे 2, 6, 7 और 7 के अंदर राज, राखी, ओके, यहाँ पे उसकी वैल्यू 5000, यहाँ पे 25, ओके, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि ये क्रिएट होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे कोमा जब भी कुछ करो, राइट, यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर करके जेसन कर सकते हो, जेसन, ओके, जेसन होगा तो प्रॉपर बनेगा, राइट, यहाँ पे सेव एज, सेव एज जेसन, ओके, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, पेस्ट जेसन, और यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा लैंग्वेज जेसन है क्या नहीं है चेक करेंगे, ओके, जेसन ही है, और यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल,
select desktop, paste, okay, open json import, okay, क्या प्रॉब्लम हुआ, हमने जो डेट कलेक्ट वो बनाया ना, यहाँ पे डबल कोटेशन देना पड़ेगा, तभी वो जेसन प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ओके, यहाँ पे डबल कोटेशन पूरा हम लोग जेसन के अंदर ट्राई कर रहे हैं मोंगोडीबी, एक बार आप सीख लोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के मोंगोडीबी क्या है, राइट। मेरा इंटेंशन आपको परमानेंट समझ में आना चाहिए ऐसा, राइट, कभी भी आप अपनी तरह से ट्राई कर सकते हो। लाइन नंबर अननेसेसरी कैरेक्टर है इस फाइल में, जैसे आपको चेक करना है तो ये देखो, ये अननेसेसरी कैरेक्टर है यहाँ पे, एंटर। ओके, वन रो एडेड, ओके, वैसे ही मल्टीपल रो ऐड करने के लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे लोग ऐड करेंगे 7 राजवी, 5 8 राजा, ये प्रॉपर डेटा ऐड नहीं हुए है यहाँ पे कुछ अलग, ओके, एनीवे हम लोग ट्राई करेंगे बाद में।
17 curly bracket, okay. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जेसन व्यूअर में जाके चेक करना पड़ेगा आपका जेसन प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे जाके जेसन वैलिडेशन ऑनलाइन जाओ, जेसन में जाओ और आपका जेसन जो है कंट्रोल ए और कंट्रोल वी यहाँ पे क्लिक करो, कंट्रोल वी और यहाँ पे वैलिडेट करो। वैलिडेट जेसन, यह सबका वैलिड जेसन ही वैलिड नहीं है, ओके, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अगेन चेक करो लाइन नंबर वन, जेसन वैलिड नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट जस्ट मिनट, नाउ इट इज वैलिड, कॉपी दिस वन एंड कॉपी पेस्ट हियर, कंट्रोल वी, गो टू योर फाइल, सिलेक्ट योर फाइल एंड टेस्ट, ओके, नाउ इट इज डन। यू कैन रिफ्रेश, योर डेटा इज सेव्ड, राइट? सो हियर इट इज योर डेटा इज सेव्ड, सो प्रॉब्लम इन अवर कर्ली ब्रैकेट ओनली, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली, वी आर कंफ्यूजिंग, ओके। So now let create it. Now we are going to next part. Now we can clear this part. Now see, find, insert, update and remove, right? And if this one is the use for, right, searching of particular value j, okay, here is the set, okay. Next, the limit find, right, greater than 18. Now we can try, we can find out the value of greater than, some value greater than age greater than, means we can, we are using here not age but we are using salary, okay, salary, salary greater than salary colon, okay, salary again curly bracket dollar greater than colon 6000, okay, enter semicolon, salary colon dollar gt gl greater than double quotation
7000 okay gt greater than okay dollar greater than 18 colon comma name and address comma curly bracket teacher underscore name colon 1 comma status comma status colon 1 now enter what is the problem curly bracket okay one curly bracket is okay, remove enter okay see here we can okay problem in gt dot gt dot show maybe value is not come in enter t less than 5 ID salary 30 20 50 okay, it means salary greater than SL one value must be come but hello students are you getting spelling status S capital or not status teacher name salary okay fine see they here db dot user dot find age greater than 18 curly bracket name 1 name 2 limit same way we can use some projection data we can retrieve aise hum log data retrieve next part SQL select statement db in teacher info find salary हम लोग find कर सकते हैं हमने पहले देखा है ये data और यहाँ पे db dot teacher underscore info find status dollar a तो particular status वाली ही column हमें retrieve करके मिलेगी यहाँ पे salary और condition भी हम लोग use कर सकते हैं और ये suppose हम लोग ये try करते हैं डेटा हमारा कुछ स्क्रैप हुआ है इसके अंदर इसीलिए डेटा रिट्राइव नहीं हो रहा है देखते हैं ओके डेटा मिला हमें राइट और कंडीशन 1 3 राइट और कंडीशन यहाँ पे है 7 30 ग्रेटर देन सैलरी डॉलर जी टी कोलन ओके 400 वैल्यू 40 100
and for KB coming. Or C, or condition is coming, right? Whatever we have, A. Okay, both the conditions are satisfied. And now we can check. We can remove this one. For example, curly bracket. Okay, remove this. Greater than is not coming. What is the problem? Hello, student. This is the greater than dollar GD. It is a correct one. 1, 2. Next part is shorting. We can do shorting ascending wise or descending wise. Okay, for example, we can sorting ascending data and descending data. We can try here first. Hello, student. Anyone can respond? What is the time? Yes, sir. Last 10 minutes. Now I will conclude in 10 to 15 minutes. Just a few minutes. Okay, this is the ascending order and descending order. Data is in ascending, sort by A, status. Right. Sorting data. Okay, next part. Count. We can use count here. Okay, 10 records are inserted. Okay, some records are scrapped due to some problem. Okay. Is a distinct. We can use also here distinct keyword, right? Find ascending, descending, distinct. Okay, and this one is the update record. DB update cell. I already show you update, multiple update or single update, right? So this one is the update teacher info shared salary plus 10. You can increase addition plus 10, right? Where status A. Status A multi colon true, so you can use this keyword also, right? Salary colon 10 dollar increment 10 is increment, right? In salary. Okay, now you can delete the record from, right? So here you can use remove all record. You can use remove all, right? Some conditional wise remove, you can use this one. Okay. And there are some other command, important commands. Alter table in Oracle. This way, add alter table teacher info, add joining date and time. So here db.teacher update curly bracket and open and close. Set joining date colon new date, right? Multi.true. So here you can add column name. If you want to drop a table, db.teacher underscore info drop table. Next, it is here db.inventory. You can create more document in the inventory. So use this way. Next part, insert document in MongoDB. db.collection.insert method adds new document into a collection. In addition, both the db.collection.update method and update save method can also add a new document through an operations called an upsert KY. You know upsert, you in exam you can ask this type of question. Upsert, up and shut, right? Insert and update both are
work parallel together. An upshot is an operation that perform either an update of an existing document or an insert of a new document if the document to modify does not exist. Next part, the insert a document with update method. Example, create a new document if no document in the inventory inventory collection contain type book item journal. The db.inventory.update type book item journal and set quantity 10 and upshot is equal to colon true. So both things are doing parallelly, right? The data is updated and it is save. Okay, next part, insert a document with save method, right? db.inventory.save, we already saw this one. आपने पहले ऑलरेडी हमने ऑलरेडी देख लिया है. MongoDB adds the underscore id find and assign its value unique object id. Object id, it is a vary, it is a UUID, universal id, right? It is a very useful id, right? Next part, query document db.collection.find db.method, we already checked, is the cursor to retrieve the document. Find one, also perform a read operation to return a single document. One method is used to db.find and method with a limit of one, right? It is already defined limit one. Read operation for the query operation, MongoDB provide a db.collection.find method. Method accept both the query criteria and projection and return a cursor. Okay, next, find condition wise search. Specific equality condition, the following example, retrieve from the inventory collection all the documents where the type field has the value snake. db.inventory.find snake wise data you can retrieve, and here specific condition using the operator, following example, select all the document in the inventory collection where the value of the type field is food or snake. Here in colon food or snake in, you are use in predicate in SQL query, right? Multiple match, right? You can find out from your document. So you can use colon in predicate. Here, specific condition like or condition, right? Next part is the array. Array, we can use the following example, query all the document where the field rating is an array that hold the exactly three element, 5, 8, 9. In this order, inventory 5, 5, 9 rating will retrieve through this query. Next part, you can use array. For array, you can use square bracket. Okay. Next part, you can use greater than. Greater than is used for the greater than query. We are already used this, but why we are not retrieving data? Last try. Find age salary greater than 40. Okay, name, teacher name. Okay, just one column, department. Okay, I will try this again. 1 minute. Not possible. Why, what is the happen here? Querying in array, you can use the array, right? All dollar all means if you want, if you need to match an array by more than one element, you can use all. db.food insert, right? You can add apple, banana, right? Apple, I don't know, right? And here the db.food.find fruit colon dollar all apple and banana, you can retrieve apple and banana in your list, so you can find out apple and banana. Next part, here size dollar size, here db.food.find
fruit size is equal to 3. A useful condition for your query array is size, which allow you to query to query for array of given size. Next part, slice. The special slice operator can be used to retrieve a subset of an element for an array key. For example, suppose we had a block post document and we want to return the first 10 comments. So db.blog.post.find1 criteria comment colon and size. So first 10, you can use also limit, but here is the particular slice operator you can use. Okay, so now slice is minus alternative. If you want the list 10 comment from the from downside, so you can minus, right? Particular slice also can return page in the middle of the result by taking an offset and the number. It will very useful, this offset and return 20, 10. So this is the one of the would skip the first 23 element and return the 24th or to 24th if there are fewer than 24 element in the array. It is a 23 to 34 records are retrieving. Okay, now this is my blog, right? drronakpanchal.wordpress.com, and this is my contact detail and everything is here. You can search. This is thank you. Okay, student, if you have any doubts or question, one doubt from my side, I have not properly executed GT, right? Anything you can ask me, anything, right? In the next lecture, I will start React.js, right? This is the React.js, and there are already I have prepared 122 slide. Okay, so we will start from Monday. Okay, student, you can ask Thank me. Thank you, sir. You can Thank ask. You, sir. At least you can aware about small, and I will provide you this slide on my blog. Okay, so you can use, right? Anybody wants to ask to any question, you can ask. Feel free to ask. Sir, blog details. Sorry, this one. This one, blog details. Mm-hmm. You can note down. Take this. Yes, done. I will provide one section, right? This one, and I will put. See, this one is the very important JSON validation for validating. So many things I have covered here. Student, you can ask any question if you want. Yes, sir.